सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी है गोशेस किचन में आपके लिए बहुत ही यम्मी किस्म की रेसिपी। रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी, रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं इसके साथ ही आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही डिलीशियस से बनाने वाले हैं हम फिश बाइट्स बनाएंगे। उसके लिए देखिए मैंने ऑल पर्पज़ फ्लावर लिया है, इसको हम छान लेंगे। तकरीबन एक कप मैंने ये लिए, एक एग मैं यूज़ करूँगी, ऑयल यूज़ कर रही हूँ, नॉर्मल कुकिंग ऑयल है मेरे पास, ये यूज़ करें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ये यूज़ करूँगी। सॉल्ट इसमें ऐड कर रहे हैं तकरीबन 2 पिंच के करीब। ऑरिगेनो ऐड करेंगे हम, ऐड किया ऑरिगेनो हमने, अच्छी तरह से हम इसको इसके साथ गूंद लेंगे। ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा और ऑयल ऐड करेंगे इसमें। दूध ऐड करने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा सा मीडियम सा डो बनाएंगे हम इसका, बहुत ज़्यादा हम इसको सॉफ्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें दूध ऐड कर लेते हैं। देखिए कितना रेडी हो चुका है, इसको हम तकरीबन 10 मिनट्स के लिए रखेंगे ताकि सेटल हो जाए डो। तो फिश बाइट्स बनाने के लिए फैंसी किस्म के फिश बाइट्स हैं ये, डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ। तो बोनलेस फिश ली है मैंने, उसके देखिए क्यूब्स कर लिए हैं। ऐड करें 1 टीस्पून के करीब ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें। ऐड करेंगे ऑस्टर सॉस इसमें, ठीक है, ये भी मैं तकरीबन 1 टीस्पून ही यूज़ करूँगी। सॉल्ट ऐड करें 1/2 टीस्पून, टर्मरिक यूज कर रही हूँ मैं इसमें, 1 पिंच मैंने ऐड किया इसमें, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है। और नेक्स्ट सॉस जो हमारी इसमें जा रही है चिली सॉस, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन, ये हम तकरीबन 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको स्पाइसी करने के लिए मिक्स करेंगे और इसको रखेंगे साइड पे। तो इस रेसिपी के लिए जो हम फिश यूज़ करेंगे वो बोनलेस फिश ही होगी। तो इसको साइड पे रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त सॉस कर लेंगे। अगर हम इसको इस तरह से भी बेलेंगे तो नहीं चिपकने वाला, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको शेप देनी है, वजह से मैंने इसको थोड़ा सा डस्ट किए। इसको हम बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे इसको। इसको हम स्क्वायर कर लेंगे, बराबर करके फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। फोर पीसेस करेंगे हम इनके, दूसरे को भी हम मिड में से डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए मेरे पास 4 पीसेस आ गए इसके, साइड पे रखते जाए। फिश में अब हम ऐड करने जा रहे हैं लास्ट में जो मैं ऐड कर रही हूँ विनेगर ऐड कर रही हूँ तकरीबन, ये भी 1 टेबलस्पून ही ऐड की है मैंने विनेगर ऐड की। और हम इसमें क्रश चिलीज जो हैं, चिली फ्लेक्स जो हैं वो ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए मैंने लिया है चिली सॉस ली है, उसमें मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून आपको दिख रहा होगा मैंने इसमें केचप ऐड कर दी है। ये हमारी सॉस बन गई, हम इसको इस पे लगाएंगे, इसको हम करने वाले हैं फोल्ड, ठीक है, इसको आप हाथों प्रेस कर लें, उसके बाद फोक से हम इसको डिज़ाइन कर देंगे। थोड़ा सा फैंसी बना रहे हैं हम बाइट्स, तो फैंसी तो करना पड़ेगा। ओवन में बना रही हूँ, आप इसको पैन में भी या देचके वगैरह में जो भी आप बना सकते हैं, मैं बना रही हूँ इसको ओवन में। देखिए हमारी बहुत ही अच्छी सी पॉकेट्स बन गई हैं ये। इसमें हम अपनी सॉस ऐड करेंगे, ब्रश कर लीजिएगा आप इसको, कोशिश करती हूँ मेरा ब्रश मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा। सब साइड्स पे लगाने के बाद इसमें हम अपना ये देखें फिश बाइट्स रखेंगे, थोड़ी सी हम अपनी सॉस इस पे स्प्रिंकल करेंगे। हमने इसको कुछ प्रोसेस नहीं किया हुआ, कुछ नहीं किया, इसको हम ओवन में ही बनाएंगे। ट्रे मैंने ऑलरेडी अपनी रेडी कर ली हुई है, हम इसको इसमें रखते जाएंगे।
ओवन मैंने 180 डिग्री पे प्रीहीट होने के लिए रख दिए। तो अभी हम दोबारा से वही प्रोसेस करेंगे। इसमें हम अगर चाहें तो आप इसमें सॉस पहले भी लगा सकते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए भी। जैसा कि मैंने भी लगाई तो मेरे लिए भी थोड़ा सा इजी हो गया, बाद में लगाएं, लेकिन लगानी आपने ज़रूर है। अच्छी तरह से इसको कॉर्नर्स जो हैं इसको प्रेस करेंगे ताकि ये ओपन ना हो जब इसमें, और हमारी अच्छी सी एक शेप जो हम बनाना चाह रहे हैं वो बन जाए। फिर हम एक बाइट लेंगे फिश का और इसमें ऐड कर देंगे। दैट्स इट। बाकी के भी हम इसी तरह रेडी करेंगे। इस पे हम अपनी सॉस को लगा रहे हैं। बहुत ही इजी से और सिंपल सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप रेसिपी को, और मुझे फीडबैक आप ज़रूर दिया करें, मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। चलें बनाते हैं बाकी के बाइट्स भी और आते हैं वापस। हमारी फिश टिक्का बाइट्स कह सकते हैं, पॉकेट्स कह सकते हैं, जो हमने बनाई रेडी हैं। हम इनको थोड़ा सा एक वॉश कर देते हैं ताकि इस पर बहुत अच्छा सा हमारा जो कलर है वो आ जाए। सब साइड्स पे हम इनको कर देंगे एक वॉश। बाइट्स रेडी हैं, हम इनको ओवन में रखेंगे। तकरीबन हम इनको 15 टू 20 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे बेक करेंगे और आएंगे वापस। हमारे फिश बाइट्स जो हैं रेडी हैं, बैटर में लगाएंगे हम अपने बाइट्स को। लेकिन नीचे से भी परफेक्ट बने हैं, कोई भी इसमें जला हुआ नहीं है। तो फिर रेडी है हमारी आज की रेसिपी। बहुत ही यम किस्म की रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और कम टाइम में बनने वाली डिफरेंट किस्म की रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए हाफिज़।